हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे कुकिंग चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। फेस्टिवल आने वाला है तो बिना लहसुन प्याज का रेसिपी लेके आई हूँ। साबूदाना आलू का एकदम करंची ये डिश है, तो चलिए बनाते हैं। तो 100 ग्राम साबूदाना लिए हैं और इसे पॉट में डालकर एकदम महीन पीसना है। और देखिए इस तरह से महीन पीस कर एकदम तैयार हो गया है। इतना टेस्टी ये आपका डिश बनकर ये तैयार होगा फेस्टिवल आने वाला। और इस तरह से आलू उबालकर 4-5 आलू रखे हैं। आप इसे रेत रहें ताकि ये एकदम अच्छे से इसका ये मिक्स हो जाए। आप चाहे तो इसे आप हाथ से भी और ये आप इसे मिक्स कर सकते हैं। तो ये सारे आलू को मैंने तैयार किया है। 1 चम्मच जीरा डाले हैं, 2 चम्मच इसमें हम वाइट वाला तिल डाले हैं। इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। फेस्टिवल के समय बच्चे लोग का डिमांड होता है कि मम्मी क्या खाना है, शाम में नाश्ता क्या चाहिए। तो आप इस तरह से फटाफट और बहुत जल्दी ये बनकर ये डिश तैयार हो जाती है। तो हरी मिर्च डालें चटपटा होने के लिए। 4-5 हरी मिर्च है जो कटिंग बारीक बारीक काटे हैं। और धनिया पत्ती ये सब बहुत सारे डाले हैं ताकि इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा है। आप 1/2 चम्मच काला नमक डाले हैं स्वाद के लिए। और जो मैंने साबूदाना जो महीन से मैंने पीस के तैयार किया था वो इसमें डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इतना टेस्टी और इतना फटाफट ये डिश बनकर एकदम तैयार हो जाएगा। बच्चे लोग को घर में सभी को बहुत पसंद आया। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये पूरा आलू जितना है इसका सारा एकदम अच्छे से मिक्स रहे। और इसका लोई बनाकर मैंने एकदम गोल ऐसा तैयार किया है। और ये दिल स्टाइल का जो बहुत प्यारा लगता है, इसमें भी 1 चम्मच दिए। इसका सेप इतना अच्छा उतरेगा। और इस तरह से इसे मिक्स कर देंगे ताकि ये चिपके नहीं और अच्छा से ये जमकर एकदम तैयार होगा। और इसको हम 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। क्योंकि साबूदाना थोड़ा सा फूलेगा तो इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। और हाथ से इस तरह से इसे सेप इसका बना देंगे ताकि इसका सेप अच्छे से उतर जाए। आप चाहे तो इसे कोई छोटा वाला कटोरी से भी कर सकते हैं, तो मैंने हाथ से किया है। फिर और अच्छे से इसको मिलाने के लिए मैंने मिक्स किया है। और इतना टेस्टी ये आपका करंची बनेगा और इतना सॉफ्ट। और इसे मैं अब फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए तो भाई चटपटा चटनी होना चाहिए। तो देखिए चटनी बनाने के लिए मैंने बादाम को भूंजकर पहले से रखा था। और बादाम डाले हैं, अदरक डाले हैं और 2-3 हरी मिर्च डाले हैं और थोड़ा सा धनिया पत्ती डाले हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और 1 कटोरी छोटा वाला कटोरी से दही डालें ताकि इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर इतना टेस्टी ये चटनी बनेगा। और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। लहसुन प्याज डालना नहीं, इसलिए लहसुन नहीं डाल रहे हैं। अगर आपको ऐसे बनाना है तो आप लहसुन डाल सकते हैं। तो देखिए चटनी बनकर एकदम रेडी हो गई है। इतना टेस्टी चटनी बनकर एकदम तैयार हो गई है। अभी से ही लग रहा है कि कितना जल्दी ये बन जाए। घर में सभी वेट कर रहे हैं भाई फटाफट ये बनकर तैयार हो। आप फेस्टिवल में भी, आप अगर फास्टिंग में भी आप ये सर्व कर सकते हैं। आप फलाहार कर सकते हैं, सिर्फ नमक नहीं डालें, बाकी सारा चीज़ आप डाल के आप रेडी कर सकते हैं। तो देखिए ये 10 मिनट हो गई है, 15 मिनट तो मैंने फ्रिज से इसे निकाला है। और इसका देखिए कितना सुंदर इसमें धनिया पत्ती और हरी मिर्च जो हरा हरा ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये हेल्दी भी है और पौष्टिक भी है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो देखिए इस तरह से कितना प्यारा दम दिल का सेप बनकर दम रेडी हो गया। जैसे लग रहा है ये दिल निकल गया है बाहर और इतना अच्छा है। और इसे कटिंग कर रही हूँ मैं, तो इस तरह से आपको जो भी शेप में रखना है आप कटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसे बर्फी स्टाइल में इसे कटिंग कर रही हूँ ताकि इसका देखने में भी सुंदर लगे और इतना करंची और इतना टेस्टी। अगर ये डिश पसंद आए तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कराइएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आगे भी आप लोग के लिए इस तरह से नया नया डिश बन के रेडी करूँगी और बताऊँगी कि ये डिश आप लोग को कैसा लगा। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं ऐसे भी नया नया रेसिपी लेके आऊँगी। और देखिए कितना अच्छा से ये एकदम जमकर इतना अच्छा एकदम तैयार हुआ है, एकदम टेस्टी। कढ़ाई गर्म हो गई है तो मैंने इसमें रिफाइंड तेल डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, क्या तेल वेस्ट भी होता है, इसलिए हिसाब से डालेंगे। और इस तरह से तेल गर्म हो गई है, सरसों तेल में नहीं छानिएगा। फेस्टिवल अगर किए हैं, फास्टिंग किए हैं, तो आप सूजी में भी इसे
छान कर सर्व कर सकती, मैंने फ्लार कर सकते हैं और इस तरह से इसे 5 मिनट में इसे पलटेंगे, इतना टेस्टी ये डिश बनकर तैयार होगा और सभी को मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आया। सबने कहा एकदम इतना अच्छा टेस्टी बना है, बच्चे लोग को भी पसंद आया, क्योंकि भाई फेस्टिवल के समय तो लहसुन प्याज सब बंद हो जाते हैं, तो सभी को लगता है भाई कुछ चटपटा होना चाहिए, तो शाम में ये नाश्ता तो बहुत अच्छा बनकर एकदम तैयार हुआ है। गेस्ट भी आने वाले हैं तो आप पहले से भी रेडी करके रख सकते हैं और इतना जल्दी ये आपका ये डिश बनकर तैयार हो जाती है। मुश्किल से आपका ये 20-25 मिनट में ये नाश्ता तैयार हो जाएगा। आलू उलू अगर उबाल कर आप रेडी रखें तो फटाफट ये डिश बनकर तैयार हो जाएगा। और इस तरह से इसे हर 5-5 मिनट पर इसे पलट दिया करेंगे ताकि अच्छा से इसका कलर भी बहुत प्यारा आया है, बहुत सुंदर कलर आया है, इतना टेस्टी ये बनकर बहुत अच्छा है। अभी भसान हो रही है तो उसी का साउंड भी थोड़ा थोड़ा आ रही है। और देखिए कितना गणेश पूजा भी था तो उसी का भसान हो रही है, तो उसी का म्यूजिक भी बज रही है। और इस तरह से सारे को छान कर मैंने रेडी किया है और सबको बहुत पसंद है, कलर तो इतना प्यारा आया है, ऊपर से आपका एकदम करंची लग रहा है देखने में, और सभी को इस तरह से छान कर निकाल रहे हैं। अगर ये डिश पसंद आए तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये आप लोग को कैसा लगा। और इस तरह से साड़े को छान कर रेडी किए हैं, आपको ज़्यादा भी आप बना कर इसको फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिना लहसुन प्याज का, तो आप 2 दिन भी रखिएगा तो ये ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए साड़े बना कर रेडी किए हैं, सभी को बहुत पसंद आया, सभी ने कहा अरे बहुत टेस्टी, ऊपर से एकदम करंची और मैं इसे इस तरह से सर्व की हूँ, बहुत टेस्टी बना है, चटनी के साथ तो एकदम मज़ा आ गया। और देखिए कितना करंची है, एकदम सॉफ्ट है अंदर में और इतना टेस्टी बना है ये। तो अगर ये पसंद आए तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू।